तो कल लास्ट में जो हमने डिस्कशन किया है, व्हाट इज दैट? दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। इसकी यूनिट्स क्या होंगी और इसके लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई? वहां से हमने इसको स्टार्ट किया। और यूनिट ऑफ के कैसे फाइंड करते हैं ये आपके सामने है, और आपने जैसा कि कल देखा है किस तरह से हमने ये जो फॉर्मूला आपका, जिसको मैं अभी एनसर्किल कर देता हूँ, ये वाला, ये हमने किस तरह से सेटल किया है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मोल पर लीटर जो की पावर एन है, एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एन आपको रखते जाना है और निकालते जाना है यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की आप निकालते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के बेचारे का वो मोल पर लीटर कट गया, इसमें सेकंड इनवर्स बचता है केवल, और सेकंड ऑर्डर वाले की रिवर्स हो गई। रिवर्स का मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है, जो जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है, उसके इनवर्स हो गई। उसमें मोल है, इसमें पर मोल है, उसमें लीटर पर लीटर है, इसमें लीटर है। बात समझ में आ गई? तो सेकंड ऑर्डर की भी याद हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर और उसके अलावा फ्रैक्शनल कोई भी हो, इसका हमने ये कल फॉर्मूला लिया है, मोल टू पावर वन माइनस एन लीटर टू पावर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। इसमें आप एन की वैल्यू रखो, एन है आपके रिएक्शन का ऑर्डर, रखते जाओ यूनिट निकालते जाओ, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम यूनिट देखेंगे गैस फेज के लिए, है ना। वो मेरे ख्याल से ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ के फोर फोर गैस फेज रिएक्शंस। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, गैस फेज रिएक्शन में और उसमें क्या अंतर आएगा बताना जरा। जो हमने ये फॉर्मूला लिया है मोल पर लीटर वाला, मोल क्या फॉर्मूला लिया है लास्ट में बताना जरा, मोल टू पावर वन माइनस एन लीटर टू पावर एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो उसमें 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 आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला तो चलो इसको तो छोड़ दो, है ना, इसको तो छोड़ देते हैं एक बार के लिए। लेकिन वैसे आप बहुत इजीली इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। कैसे? आपको जो मोल पर लीटर आपने जहां भी लिखा है उसको अब आपको लिखना है एटमोस्फियर। गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करते हैं, और पार्शियल प्रेशर को एटमोस्फियर में लिखते हैं जनरली, ठीक है। बाद में भी लिख सकते हैं, जो भी यूनिट प्रेशर की अवेलेबल है उसी के टर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपके मोल पर लीटर को आप एटीएम लिखेंगे तो जो भी यूनिट है वो गैस फेज के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी से, ठीक है। अब इसमें जीरो ऑर्डर के लिए बता दो जरा, जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता चल गया होगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये आपने लिख लिए, लिख लो फटाफट। गैस फेज के लिए क्या होगा देखते हैं, हमारे पास है क्या? यस है तो सही, मिल भी गया। यहां से उठाते हैं, ठीक है, और वहां लेके जाते हैं। यस, ये आपके नोट्स में आ गया है, ये लो भाई, अब इसको देख लो फटाफट। जीरो ऑर्डर ये सब आपको पता ही है, ये थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये हमने सब कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो लीटर सॉरी मोल पर लीटर है, इसकी जगह आपको गैस एटमोस्फियर रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि हम ये बात कर चुके हैं। तो ये आपका गैसियस फेज के लिए हो गया के की यूनिट, इसके लिए तो सेकेंड इनवर्स ही रहेगी, ठीक है। इसके लिए लीटर मोल इनवर्स है तो उसके लिए एटीएम इनवर्स हो जाएगा, इसके लिए एटीएम टू पावर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी एनालॉजी है, इसको आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने कल फॉर्मूला लिया था, ठीक है। और वैसे भी आप इसके लिए यदि अलग से फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। वो आपका फॉर्मूला क्या है देख लो जरा, एटीएम डिवाइडेड बाई सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एटीएम टू पावर क्या है एन, ये लो हो गया। अब रखते जाओ पावर और यूनिट निकालते। बात समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा। हमने क्या किया, मोल पर लीटर की जगह हमने एटीएम रख दिया और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था गैस फेज रिएक्शंस के लिए आपके के की यूनिट, ठीक है।
अब हम लोग कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं।